समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, नगर निगम मुरादाबाद के सैविक कॉरपोरेटर, मशहूर एक्सपोर्टर, वरिष्ठ समाज सेवी और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के स्पेशल इनवाइटी मेंबर हसनैन अख्तर ने तमाम ही आलम इस्लाम को रहमतों और बरकतों के महीने रमजानुल मुबारक की तहे दिल से मुबारकबाद पेश की है। सैविक कॉरपोरेटर हसनैन अख्तर शमसी 12 मई की रात को मोहल्ला कानून गोयान मुरादाबाद में अपनी रिहाइश गाह पर सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर हसनैन अख्तर साहब के साहबजादे युवा सपा नेता मोहम्मद यूसुफ हसनैन और उनकी कमसिन नवासियां आसिया आतिफ शमसी व युसरा आतिफ शमसी भी मौजूद रहीं। हसनैन अख्तर शमसी ने इस मौके पर नगर निगम से बेहतर सफाई व्यवस्था और सड़क सुधार की मांग भी की। उन्होंने कहा, रमजान उल मुबारक के मुकद्दस मौके पर सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और समाजवादी पार्टी के रुकन की हैसियत से एक मेंबर होने के नाते से मैं तमाम आलम इस्लाम बिलखसूस मुरादाबाद की आवाम को रमजान उल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तवक्को के साथ के जो दौर चल रहा है और 23 मई को पार्लियामेंट्री इलेक्शन के जो काउंटिंग होनी है, मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि जिस अंदाज से पुरम तरीके से हम लोगों ने वोटिंग का सिलसिला कायम किया और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे अंदाज से इलेक्शन को बखूबी अंजाम दिया, इसी तरह से इसी अंदाज से रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में 23 मई को जो काउंटिंग होने वाली है उसमें अमन अमान का सबूत दें। ख़ास तौर से मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा मैं अपने भाइयों से, और एक ज़रूरी दरख्वास्त ये करूँगा कि रमज़ान का बहुत सख्त महीना है, गर्मी का बहुत सख्त महीना है, ये इसमें हम लोग जब सवारी पर जाते हैं तो रिक्शा वालों से और ई रिक्शा वालों से और छोटे जो रिक्शा चालक होते हैं उनसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि हम लोग बड़ी सवारी पर होते हैं तो हमें चाहिए कि उनकी वो रोज़े में भी होते हैं, गर्मी में वो लोग बेचारे रिक्शा भी चलाते हैं, तो अगर उनकी कोई छोटी मोटी गलती हो तो उनको नज़रअंदाज करें। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर किसी ने अगर कोई गलती कर दी तो तुम हमें और गर्मी रोज़े की वजह से। बहरहाल मैं तमाम आलम इस्लाम और ख़ास तौर से मुरादाबाद के मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा कि वो रोज़े का और रमज़ान का एहतमाम करते हुए इस चीज़ को नज़रअंदाज करें और तमाम ही आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से, समाजवादी पार्टी की जानिब से, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी रिज़ल्ट आए वो हम लोगों के लिए, हमारे हम पूरे मुसलमान की कौम के लिए बेहतरीन के रिज़ल्ट आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर ज़िला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं रमजान में भी और ईद के मौके पर? देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह बहुत काम करता है। नगर निगम में कुछ खामियाँ हैं, हमारे मेयर साहब हैं उन तक बहुत सी शिकायतें पहुँचती हैं, सड़कों पर गंदगी और इस तरह की क्या नाम है लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम्स हैं। 3-4 महीने से हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि साहब सड़कें बनवाएंगे, सड़कें नहीं बन रही हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह क्या नाम है वो पानी की व्यवस्था सही नहीं है। मैं नगर निगम के कर्मचारियों से, अधिकारियों से और ख़ासकर मेयर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ के निज़ाम को दुरुस्त और चुस्त करें और आने वाले वक्त में मुरादाबाद, क्योंकि एक फॉरेन करेंसी का एक शहर है, ब्रास सिटी के नाम से मशहूर है, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि जब यहाँ पर गैर मुल्क के लोग आएँ तो वो अपने आप में देख करके ये महसूस करें कि हाँ हम मुरादाबाद में आए हैं, एक इंडस्ट्रियल सिटी में आए हैं, ताकि वो अपने आप को गौरवान फील करें। इस मौके पर मुंबई से आई हसनैन अख्तर साहब की कमसिन नवासियों आसिया आतिफ शमसी और युसरा आतिफ शमसी ने भी अपनी मासूम आवाज में माह रमजान शरीफ की मुबारकबाद पेश की और नाते पाक का मतला गुनगुनाया।